तो भाई अभी जो है सुबह से लाइट ही नहीं आ रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पनीर से शेक कैसे बनता है। तुम ही तो जोश से में आए, ये पूरी खुल के बताइए। यहाँ तो 2 बजे से लाइट ना, अभी तो कुछ सुनना। ये देखो भाई, ये देखो भाई, रात भर जो है बारिश हुई है भयंकर वाली, पूरी की पूरी गली जो है गीली हो चुकी है, और अपना जो है बाइक वगैरह दोनों यहाँ पे खड़ी हुई है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ थोड़े से केले लेने के लिए और पनीर लेने के लिए। आज अपना जिम तो जा नहीं पाए क्योंकि भाई बारिश हो रही थी सुबह बहुत भयंकर वाली, तो जिम भी ओपन नहीं हुआ था। बाकी देखो भाई, यहाँ पे पूरा बाहर बाइक खड़ी रहती है ना, तो पूरी धूल मिट्टी में हो जाती है यार, क्योंकि अभी क्या है कि गली में जितनी भी नाली है ना, ये सब बन रही है। अभी हमारे साइड की जो है ये रह गई है, ये वाली और बननी रह गई है। बाकी आय का जो है ना, देखो जो नाली होती है मेन नाला टाइप का सा, वो तो बन गया है। बाकी सुबह सुबह भाई गली में कुछ इस तरह का माहौल है, लोग आ चुके हैं अपनी सब्जी वब्जी बेचने के लिए, और हम चलते हैं भैया केले और पनीर लेने के लिए। भाई केले कैसे दिए हैं? तो यार सही लगा ले भाई, ये पूरे तो ऐसे ही हो रहे यार गले से। 50 के लगाए हो? हैं तो भाई दूसरे वाले से देख के आओ। तो केले के रेट इतने हो रहे हैं क्या पूछो मत, तो 60 रुपये दर्जन, 70 रुपये दर्जन, ऊपर से बारिश का माहौल वैसे है। भाई केले कैसे दिए? 70। इससे बढ़िया था सामने वाला, ये 60 रुपए के दे रहा है। तो वापस वहीं चलते हैं। भाई दे दे, तू ही दे दे। केले तो बढ़िया वैसे। चलो भाई अपने केले तो ले लिए सुबह सुबह मस्त, ये लगाया जाएगा इसमें पैसा। केले चाहे सड़ जाए लेकिन 60-70 से कम नहीं देने का भाई। ये लो भाई अपना पनीर भी ले लिया। ये लो माता जी केले और पनीर, यहाँ पे लग रही है भैया कपड़े वपड़े धोने में, अपनी बनाई जाएगी डाइट। भाई आज मम्मी को जो है हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, तो वॉशिंग मशीन चल नहीं पा रही, तो मम्मी जो हाथ से सारे कपड़े धो रही है, और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपना दूध ठंडा होने का, जो कि मम्मी ने अभी अभी किया है तो ये गर्म है, तो मिक्सी में डालूंगा तो बन नहीं पाएगा अच्छे से, तो इसका वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बनाते हैं अपना बनाना और पनीर शेक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पनीर से शेक कैसे बनता है और ये कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो भाई अभी जो है सुबह से लाइट ही नहीं आ रही है, और दूध उधर मैंने ठंडा होने के लिए लगा दिया है। फिलहाल अभी देखते हैं, नहा धो लेते हैं, तो क्या करना चाहिए भाई साहब? अभी क्या करना चाहिए, हम तो हाथ भी लाल हो चुके हैं। देखो भाई आज मम्मी हाथों से कपड़े धोए, तो मम्मी के हाथ भी छिल गए, बहुत बढ़िया। तो नहा ले रहा हूँ, फिर मैं काम कर रहा हूँ, जब लाइट आएगी जब फिर जूस बना दूंगा। नहा लूं? बारिश तो आएगी, 4-5 दिन की दिखा रहा कंटिन्यूसली, नेट पे 4-5 दिन की दिखा रहा भाई। पूरे घर की धुलाई वुलाई भी हो गई, देखो फिर से बूंद बूंद आनी स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की सी। देखो भाई सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर केले डाल दिया, एक केला डाला, उसके बाद में थोड़ा सा ये पनीर लेंगे, 100 ग्राम पनीर है, इसको भी इसके अंदर ऐसे करके डाल देंगे, और थोड़ा सा दूध लेंगे, और ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर बस, बस। तो भाई कुछ इस तरह से अपना पनीर वाला जो शेक है वो इस तरह से बन गया है, इसके अंदर बिल्कुल पता नहीं चलेगी कि पनीर डला हुआ है, ये देखो। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रहता है, जब मैं पहले पावर लिफ्टिंग करता था ना, तो जब मैं इसी तरह से लेता था तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं इसके, क्योंकि ऐसे पनीर खाओगे बहुत टाइम लगता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, बट इसके साथ में अब बढ़िया डाइजेस्ट हो जाएगा। रोहित का दूध हमने इसमें रख दिया निकाल के, अलग एक गिलास दूध अपन शाम के लिए बचा कर रख लेते हैं। फिलहाल इसको पी के देखते हैं, पी के मेरे को तो पता ही है भाई बढ़िया ही बनता है, बाकी आप लोग भी ट्राई करना अच्छा रहता है। पनीर का इसमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पनीर इसमें पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेगा, ट्राई जरूर कर लेना एक बार, मजा आ गया रे बबू। आम पियोगी भैया? गली मोहल्ले में सब लोग बिछड़ते हुए, यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, तो चाचा बताओ क्या कह रहे हो? तुम ही तो जोश से में आए। कंप्लेंट कर दी, कैमरा खोलते ही चाचा गायब, पब्लिक को पता लगनी चाहिए। अरे पूरे बुलेंचा को पता चलनी चाहिए ना कैसे लाइट नहीं आ रही है भाई, आवाज खास में लाइट नहीं आ रही है। ये बालाजी डेयरी के मालिक हैं, भैया बताइए क्या समस्या है आपकी?
क्या समस्या बताइए, पूरी खुल के बताइए। रात को 2 बजे से लाइट ना आ रही, तो कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन कंप्लेंट कर दी। मेंबर साहब के लिए कुछ कहना चाहोगे? मेंबर साहब से भी कह लिया, कोई नहीं सुनना। भाई ये हमारे युवा हैं, युवा पीढ़ी, आप बताइए क्या समस्या है आपको। अब भैया सुबह से लाइट ना है। अच्छा, और कोई सुनने को तैयार ही ना, लाइट बिजली घर पे जाना कोई सुनवाई ना होती है। अच्छा जी, तो अभी किसको बता के आए हो आप, किससे बोल के आए हो? सुनवाई ना होती है, सुनवाई ना होती है भाई की है। भाई देर में सुनवाई करवाऊंगा, तो बोल इसमें खुल गए। अभी SDM साहब को भिजवाऊंगा, लाइट की, पानी की, सब चीज की, नाली, लाइट, पानी, नाली। मेंबर साहब भी ना सुनने, अरे आप इधर आओ ना। भाई रात जो है 2 बजे से लाइट नहीं आ रही है। वो बैठे जाओ, चाचा इतनी फुर्ती में आए, कैमरा चालू होते बंद से चुप हो गए। क्या कहे, मामा कहे ना, मामा अरे आ जाओ एक बार, तुम्हारे भांजे बुला रहे हैं। भाई 2 बजे से रात से बिजली नहीं आ रही है, और उसके लिए जो है यहाँ पे कम से कम 85 बार आना पड़ रहा है। क्यों करे, सबर रखो। आप कितनी बार आ गए यहाँ पे? ये देखो भाई, कौन सा डेयरी वाले फोन मिला, डेयरी वाले तो ये रहे, डेयरी वाले तो ये रहे। डेयरी तो कोई भी तोड़ दो, तो भाई फिलहाल अभी जो है ट्रांसफार्मर पे तार वार तो लगा दिए, अब जो है लाइट वाइट आएगी। अब देख, अरे सुबह 2 बजे से लाइट आ रही है, तो वही पहुंच गया फोन लेके, वो फोन देख कर लगा नीचे कर लो। तो ये सब जो है लाइट, आप भी गए सुबह? हम भी कालू भैया के साथ ही गए अभी, मैं और कालू भैया गए साथ में, अभी तो गए थोड़े देर पहले, जब ही तो आए ये। अब इंतजार करते हुए लाइट का आ गई, आ गई। चलो भैया लाइट आ गई, चले अपने घर। चलो बड़ी अच्छी बात है, जो भी आया वो गलत करके गया। अब सही हो गई है भैया, ये देखो पेड़ की टहनी तो काटनी पड़ेगी। पीपल का पेड़ है, कौन काटेगा? जब कोई किसी चीज से परेशानी है, किसी चीज से परेशानी है, तो पीपल और मंदिर और मस्जिद के देखेगा। सही बात है भाई, अभी पूरी गली के अंदर जो है लाइट आ चुकी है, माता श्री भी जो है खुश हो चुकी है। अब चलते हैं अंदर, थोड़ा आराम करते हैं। चप्पल उतारे, चप्पल गंदी हो रही है, झाड़ के चलो 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 चलो। तू क्या बना रहा है? मैंगो जूस, मैंगो जूस, ड्राई फ्रूट काट रहा है, मैंगो जूस। भाई अभी दूध लेके आ रहा हूँ, यहाँ के रास्ते देखो कितने खतरनाक हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे प्लॉट बनना है, पर यहाँ पे देखो पूरा पब्लिक ने कौड़ा फेंक रखा है। ये देखो दूध लेके आ गया हूँ भाई, मिशन सक्सेसफुल हो गया अपना। कोई नहीं, ये एक ये वाली कर दो, एक वो वाली कर दो, दो कर दो। भाई गली में आज एक फंक्शन है, तो उसके लिए गिफ्ट से ले लिए, और बाकी जो है चलते हैं अपने घर पे। भाई आज जो है हम शाम के टाइम में जिम में आए, क्योंकि सुबह के टाइम में बारिश हो रही थी, तो जिम वगैरह नहीं आ पाए थे, क्योंकि जिम भी शायद आई थिंक खुला नहीं था सुबह। बट अभी आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज थी, तो भाई वो तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाइसेप्स तो भाई बाइसेप्स। तो भाई अभी तक फिलहाल अपने 2 सेट हो चुके हैं, और जो इससे पहले वाला सेट मारा था ना हमने, वो थोड़ा डाउन सेट लिया था, मतलब कि सबसे हाई पे जाके फिर सबसे डाउन पे जाना, और रेपुटेशन बढ़ जाती है, तो उसमें बहुत बुरा हाल हो गया। अब थोड़ा जाके वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब जिम का थोड़ा सा डीजे बंद हुआ है, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि जिम के अंदर डीजे तो भाई चलना ही बनता है, ठीक है। और रहत के देख लो, ड्रॉप सेट में पसीने पसीना हो गया है पूरा का पूरा। कैसा रहा ये वाला सेट? आया कुछ बाइसेप्स में पंप आया? मेरे में भी थोड़ा बहुत आ गया, चलो बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। तो भाई अभी फिलहाल अब वाला जो सेट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम ट्राइसेप्स का, तो बाइसेप्स के साथ में सोच रहे हैं एक ट्राइसेप, एक या दो सेट ट्राइसेप्स का भी ले लें। उंगलियों से पकड़ इसे, उंगलियों से, हाँ मार। अब ऐसे ले जाए, सिर के पीछे से ले रहा हो, थोड़ा और पीछे हो, हाँ अब यही पोर्शन, हाँ हम नीचे छुलाने की कोशिश कर, और देख यहाँ जोर पड़ेगा पूरा, ये चीज ले, हाँ ये बहुत बढ़िया। ट्राइसेप्स पर आ रहा जोर, यही लेता रहे, बढ़िया ले ले ले, और ले कितनी मारी, 20 पड़ा जोर को सबका,
तो चल भाई अब क्या हो गया 37 किलो मैं लूँगा 37 किलो पे रेपुटेशन लेखों में जिस टाइम पे ऐसा करें ना जो जो फिंगर है इस पे जो दादा डालेगा पूरा यहाँ तक आया था। तो भाई अब ट्राइसेप्स का ये वाला सेट ले रहे हैं, ये अपना दूसरा सेट है। इसके बाद में एक बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में फिर मारेंगे फोरआर्म्स, उसके बाद में एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। फिलहाल मेरे को कहीं जाने भी आज प्रोग्राम में अभी 8:04 हो रही है, 8:30 के आसपास में निकल लेंगे यहाँ से। बाकी बाबू लग रहा है फुल मेहनत करने में। कैसी लगी, कैसी लगी वाली, मजा आ गया? बढ़िया खींच के ले, और आज ही बना देनी है बॉडी। थोड़ा और इधर को लेना, हाँ ये चीज सवाल खींच। अब इसको ऐसे ले आओ, ये दो, थोड़ा इसे आगे कुछ छोड़ेगा बाबू इसे, हाँ ये चीज चलने दे, ये ऊपर लेकर दो, बहुत बढ़िया, चल 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 सवास। आज जो भाई अपने थर्ड पार्टनर हैं पवन भैया, वो तो मिसिंग है क्योंकि आज सुबह तो आ नहीं पाए, शाम को थोड़ा बिजी से रहते हैं। तो फिलहाल मैं और रजत एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पका देख ऐसे लेकर, ये चीज है ना ऐसे आगे छोड़ दी, तू कंधा आगे छोड़ दिया, ये चीज ले बस। ठीक बन गया तो बॉडी, ये समझ ले कि ये इस शोल्डर से छिलानी है तक वो। ठीक तो भाई फिलहाल आज का जो हमारा वर्कआउट है ऑलमोस्ट समाप्त हो ही चुका है, अभी हम फोर आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो फोर आर्म्स ये होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आज मस्त एक्सरसाइज की है, फिलहाल देखो हाथ भी नहीं मुड़ रहे, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, फोर आर्म्स की एक्सरसाइज ही हो रही है यहाँ पे। तो ये लगा लो मेरे से फ़ोन भी फ्लिप नहीं हो रहा है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, इतना भयंकर वाला एक्सरसाइज हुई आज, जा रहा है पूरा नीचे तक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाबू मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। चल बाबू, चल बाबू, बाबू चल, आज ही बॉडी बनानी है, बहुत बढ़िया। चल पांच और, एक दो तीन चार, एक और बस पांच। तो भाई रात भर अपने बुलेंसर में बारिश हुई है, उसकी वजह से आज जिम के अंदर लाइट बंद करके हमें एक्सरसाइज करनी पड़ी, क्योंकि फिर कीड़े वीड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी फिलहाल चलते हैं गली में, एक फंक्शन सा है उसको अटेंड करेंगे, दावत पानी खाएंगे भाई। और अभी फिलहाल अपना 75 हार्ट डे भी चल रहा है, और उसमें दावत नहीं खाई तो क्या खाया बाबू। सही बात है, इसीलिए तो उसका नाम है 75 हार्ट, सब कुछ खा के भी बॉडी बना के दिखाओ भाई। घर आने के बाद में तैयार वैयार होकर जा रहा हूँ फंक्शन में, सामने है दावत भाई। तो जो गली में दावत हो रही थी वो समाप्त हो चुकी है, हम दावत वावत खा खू के अपना आ गए हैं। बाइक की चाबी कहाँ, बाइक की चाबी कहाँ? तो भाई अभी फिलहाल जो है बाइक वगैरह अंदर कर देता हूँ, अभी रात के बज चुके हैं 12, लगा रहे कितनी लेट सोना हो रहा है आज अपना। अभी चाबी कहाँ है बाइक की, चाबी कहाँ है, टांग तो दूँ तो है कहाँ ये तो बताओ यार। चाबी तो वही अपनी बाइक वाइक अंदर खड़े में, सुनसान हो गई पूरी गली, देखो कोई ना है यहाँ, तो सब सामटा भी हो गया भाई, दावा तो आज सब खत्म हो चुकी है, बाइक अंदर कर ली जाए। तो वही फिलहाल अपनी बाइक वगैरह भी सब कुछ अंदर कर दीजिए मैंने, अभी फिलहाल सोते हैं, मिलेंगे आप सबसे कल नए ब्लॉग में, जब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।